अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और ये जी हम आए हुए लाहौर, और ये डॉटर्स व्लॉग जो है ना, इनकी चाची का चैनल है, मुझे तो बोलने दो। तो उनसे करवाने लगी ईमान कटिंग, और ये ईमान की पहले की लुक देख लें, बाल कोनी शोनी की हुई है। चाची के पीछे पड़ी हुई थी भाई। चाची जो है ना वो पंजाबी में व्लॉग बनाती है। मेरे चैनल में ये ना वो पिंड में रहती थी, पिंड में नहीं रहती थी तो हम ना चाची ये खज्जल हो रही थी सड़कों पे, तो हम उठा के ले आए थे इनको। सही है, चैनल में भी सब्सक्राइब करियो, डॉटर्स व्लॉग। हाँ जी, डॉटर्स व्लॉग। और ये ईमान साहब ग्लासेस उतारे, ईमान पीछे पड़ी हो। ये जैनब की जो लुक है ना, ऐसी कह रही है मैंने करवानी है। जैनब के भी थोड़े से कम है फ्रंट से ना। सब तो पहले दी लुक चेक करो जरा, केओ जी लगन भई इसमें तो उर्दू बोले सारे। तो पहले ना दी इसकी, अच्छा सबसे पहले इसकी लुक चेंज कर, चेक करें ये कैसी लग रही है। ठीक है ना, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चेक करियो कि ए ढूंढे कटवा के केओ जी लग रही है। चलो ठीक है, फिर चलें सही है, देखते हैं। ईमान सबसे पहले ऐसे करो, क्या करूं? ईमान साहब का शावर हो रहा है ना ईमान? चाची के पीछे पड़ी हुई थी, चाची मेरी कटिंग कर दें, कटिंग कर दें। है। तो रात से ही शुरू हुई है, रात को हम आए थे तो तब से ही शुरू हुई है। पानी पी लो। सारा पानी हमारे ऊपर आ रहा है चाची साहब। और ईमान की शक्ल सड़ी हुई है। मैं तो हैप्पी हो रही हूँ। हैप्पी हो रही हूँ। अच्छा मेरी भी अब ना उलझने नहीं पड़ती मुझे। नहीं, हाँ। वो कौन सा सुना नहीं होगा बीच में। ये ईमान की कटिंग का एक सेपरेट होगा व्लॉग, ठीक है ना ईमान? सारी दिखाएंगे इसमें। ये पार्टीशन हो रही है बालों की, मम्मा ही मेरी फ्रेंड भी व्लॉग देखेंगे तो कोई बात नहीं, उनको भी पता चल जाएगा मेरी कैसे कर रही हूं। चाची सीक्रेट चीज है, नहीं आपने बतानी क्या बताई जा जो वो बनाई। ईमान तो बहुत ज्यादा खुश है, मुझे डर कर रहा है कि मैं ना अपने बाल बस कटवा लूं, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं है। सीधी भी कर लूंगी बाजी, आप इसको उधर ले जाओ बेटे, मैं वो दिखा रही हूं। क्या वो खुद ही इधर है? इधर तुम कैसे उधर ले जाओ, उधर ले जाओ या फिर तो भाई लेके जाना, ले जाओ ले जाओ। नहीं भाई उठा ले, उठा ले मेरे नीचे। ये स्टॉलर किसका पड़ा हुआ है इधर? मैं इधर बैठने लगी हूँ क्योंकि वो चाची इधर उधर होती है, तो फिर मुझे भी होना पड़ता है, तो एक साइड पे मैंने कहा हो जाऊं। ये जैनब ने पहले कट करवाए थे, सीधे ऐसे। ये कब कटवाए थे? चाची से ही करवाई थी कटिंग हमने ना, इसकी बर्थडे पे लास्ट टाइम शायद। अब ईमान के शॉर्ट हेयर्स हो जाएंगे, और अच्छी बात है मुझे पोनी नहीं पहनानी पड़ेगी, अच्छी बात है मुझे, और खुद ही ये हेयर कॉम करके जाया करेगी स्कूल। सही है, हाँ जी। मैंने जैनब जितनी करनी है, जैनब जितने चाची ओए भाई को भी मैं जो है वो पाउडर सा खोल लिया इसने। पाउडर तो है नहीं, ये क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, खाली है। गीला ना हो नीचे क्रीम वगैरह ना हो, उधर ले जाओ देख ले कितने करने हैं, और थोड़े शॉर्ट। हां जी बहुत तेज है तो क्या इसको कहते हैं वो बेबी कटिंग, बो कट, बो कट, शोल्डर कटिंग हम कर रहे हैं। शोल्डर, हां जी शोल्डर, शॉर्ट कट, शॉर्टकट, शोल्डर कट से करते वो। उसने ईमान आपकी फ्रेंड ने भी, अर्मिश ने भी करवाई थी ना जी, उसके भी शॉर्ट ही हैं, उसके भी लेंथ ज्यादा थी बालों की। उसने तो मुझे लगता काफी देर की सर्दियों में करवा दी थी ना, ज्यादा नहीं सर्दियों से पहले। और अबरिश ने भी करवाई है, इतने अबरिश ने अपने बाबा से करवाए हैं। हां दोनों के इतने हैं सोफिया, जितने ये जैनब लोगों के ना शॉर्ट। मैं भी ऐसे करवाती थी अब्बू के साथ जाके ना,
नाई से करवाना। हाँ जी नाई से, सारे बाल जब आते थे ना वो तब वो ये आईज के ऊपर करना, नहीं ऊपर आंखें मत रखना ना। नीचे बेटे गांव में रहते थे ना, जब सिटी में आते थे ना तब करवाते थे। छोड़ दें आपने कुछ नहीं करना। इमान ने अपनी हेल्पर रखी हुई है बाल बोल मुंह से उतरवाने के लिए, है ना इमान से। उलझने बढ़ गई इमान, अब इमान की निकलेंगी चीखे। नहीं तो बाल गीले है ना, गीले मेरी उंगली आ जाती है ऊपर। बेटे ऐसे तो होना है, चाची को करने दो अभी कटिंग, बाद में आंखें बंद कर लो आप। आप फातिमा के वो हैदर जो फातिमा का, अब बस वो ज़ैनब की तरफ पिन लगाया करना और बस हेयर कैसल वगैरह लगानी। ईमान के बालों में मसला शाइन कितनी आ रही है ना, कंडीशनर किया था ना जब नहाई थी तब, तो फिर क्या हुआ इसमें, क्या सारी बातें बताते हैं व्लॉग में। बाजी ताड़ी टुई आ जाती है बिच, पार्लर वाली आंटी की टुई जो है ना, मींस कमर। बाजी मेरा पतला लक, मामा जी इतना पतला लक नहीं है। अच्छा बाजी अब मोटी हो गई हैं आप, और हम बहुत खुश हुए क्योंकि ये मुझे कहती थी सारे मजाक करते थे मुझे, मैंने कहा चलो जी ये भी मोटी हो गई है। जो चाची के हस्बैंड है ना चाचू साहब, वो छेड़ते होते थे मुझे, मैंने कहा अच्छा हो, मैं खुश हो गई हूँ कि आपकी बेगम भी मोटी हो रही है। मेरे कजन है, मेरे मामू का बेटा। रात को ईमान पूछ रही थी ये आपके चाचू आपके कजन है जी, दादा वो आपके मामू जी बेटे सगे मामू, जैसे आनी सब है आपकी। हाँ जी मेरी आनी है वो, मेरी अम्मी की बहन, मेरी खाला, जैसे आनी सब आपकी खाला, आपकी मम्मा की बहन। मेरे से कुत्ती हो गया था काका। चाची आप ब्लो ड्राई भी करेंगी बाल? शुक्र है मुझे पता चल गया ब्लो ड्राई क्या होता है। हैदर नो, एक मिनट, हैदर साहब चीजें छेड़ रहे हैं चाची की ना। ये हैदर नीचे इधर आगे खड़ा है, हमें तंग कर रहा है। मैंने कहा था हैदर की भी ट्रिमिंग करवा दें, इसके बाबा कहते ना जी ना। ये चाची का पार्लर देख लें इधर सारे, ये लाहौर में इनका पार्लर है, घर में ही है और अल्लाह का शुक्र है मसला अच्छा चल रहा है। क्या नहीं वो ना हम नीचे वो नहीं ना दिखाएंगे नीचे जी, हमारे बैग शैग और ये चीजें हमने इधर रखी हुई है और ये इधर कपड़े पड़े हुए पार्लर में। सही है ना, ये फातिमा आपने इसकी मांग नहीं कर ली है, है? चौधरी निसार ये जो है ना हेयर कट गर्ल जो होती है ना ज्यादा है ना वो शॉर्ट करना ना आगे से। इसको क्या कहते हैं बेबी? ओ नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं पार्लर वाली बच्ची? किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज पता फ्लिप 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 क्या कहते हैं इसको? पफ। हाँ हाँ पफ पफ, ये फातिमा मुझे बता रही पफ। वाह जी वाह, सही है मान इतने शॉर्ट। मुंह तो सही करो क्या, किसमें पड़ा? चलें निकालो हेल्पर्स गर्ल्स स्ट्रेटनर भी। नहीं
अच्छा इसके पास स्टेट है, बेटा इसको उधर ले जो हैदर को। हेल्पर जी, ये हेल्पर हेल्पर लो जी, जहाज चल पे आइए। प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है ना वो, ये हमारे पास है मैडम का। अच्छा मैं चला देना। अच्छा नहीं चला, सरना चला देना। क्या लेना है? कौन ये? नहीं नहीं आपने ही रखा था बाजी इधर। हाँ जी हाँ जी, बस आपने देखना एकदम से। लें जी ईमान के बाबा भी देखने आ गए हैं अंदर। नहीं जब उसको भेज दिए वापस। अच्छा सैर करा के ले आओ, और लो निकल गए। अच्छे जे कटने तो आप कितने चले हम तुसी सैर करा। काम है जरा बड़ा जरूरी है। कौन सा? कुछ मीटिंग्स हैं बरकत मार्केट में। और मैं हम बताते हैं आपको, हम बच्चे लेके पीछे ही आते हैं सरा। अच्छी लग रही है। रिक्शे में? अच्छा वो गाड़ी में और हम रिक्शे में। हमारा दिमाग खराब है। ये आमना कह रही है बाबा को अपने, और हैदर के चाचू हैं ये, और हैदर कह रहा मुझे भी उठाएं। लो जी आमना वो छोटा बेबी है, चाचू के पास जाता है ना। बजी सड़ गए तुसी। बजी आमने दुपट्टे। वाह जी वाह, क्या हुआ है? क्यों वीडियो बनानी है? इसमें सारा कुछ दिखाते होते हैं। वही तो कह रही हूँ, इसलिए वीडियो बन गई है। कैसे शॉर्ट है ना, जैनब जैसे नहीं है। हाँ जैनब के लॉन्ग। मेरी यहाँ पे मम्मा जी, आपने मेरी ये शाखे क्यों लगी? शाखे बस वो हो गए कट जो करने थे। ये बेटे आपकी और कटी थोड़ी सी, उसकी चेंज है। मैंने मुझे आप खेल अब फातिमा जैसी है। ये बाल थोड़े से आगे करो, ये मैंने इस तरह से कर लिया। नहीं वो माथा सारा नजर आ रहा है। चलो वाह जी वाह, बंद करे ना वीडियो। मोटे पास हो गया, वाह ईमान दिखाओ। चलें जी, बताएं कमेंट्स में कि आपको ईमान की कटिंग कैसी लगी है, पहले अच्छी लगी या अब अच्छी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।